Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, we will learn about the concept refraction of light through a glass slab. एक ग्लास स्लैब नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो ग्लास स्लैब होता क्या है, ये है ऑब्जेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं ग्लास स्लैब। ये सिंपली एक ग्लास का पीस है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप कह लो या रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसमें सिक्स फेसेस होते हैं, जब इससे लाइट ट्रेवल करती है तो बेंड होती है, वो जो बेंडिंग हो रही है लाइट की इसके अंदर उसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो रिफ्रैक्शन किस तरह से टेक प्लेस होता है इसको हम समझेंगे। तो रूल ये है कि ग्लास स्लैब को हम टेबल पे रखेंगे या इस प्लेन सरफेस पे रखेंगे और उसके एक पर्टिकुलर फेस पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। लाइट के इंसिडेंट होने के बाद देखेंगे कि रिफ्रैक्शन उसमें कैसे टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं। ये सपोज करिए एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसको मैंने मार्क किया है ए बी सी डी, एक फेस को मार्क कर दिया है ए बी सी डी, राइट। अब इस ग्लास स्लैब के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आपको मानना है एयर, नीचे वाला जो पार्ट है उसको मानना है अगेन एयर, बीच का जो पार्ट है वो क्या है, ग्लास में बना है, मतलब मीडियम क्या है यहाँ पे, ग्लास है, ठीक है। तो कंपेयर अगर करें एयर कैसा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम, ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो लाइट जो है रेयरर मीडियम से आएगी ग्लास में, मतलब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी और फिर उसके बाद अगेन वो एयर में ट्रेवल करेगी, मीन्स रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो किस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होगा या बेंडिंग होगी इसको हम देखते हैं। ये देखिए लाइट इंसिडेंट हुई है, कहां से आ रही है, रेयरर मीडियम मतलब एयर से आ रही है, ठीक है, देखिए बेंड हो गई, राइट। तो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हो गया एक सरफेस पे, आगे वो लाइट वहां रुकेगी नहीं, आगे अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, अगेन लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। इस तरह से टू टाइम्स जो है रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हुआ, ठीक है। अब अगर हम देखें नॉर्मल के बेसिस में कितना रिफ्रैक्शन हुआ है, तो पहला नॉर्मल, पहले रिफ्रैक्शन के लिए अगर देखो तो बेंडिंग जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई, राइट। एंड सेकंड जो रिफ्रैक्शन है उसमें अगर हम देखेंगे तो बेंडिंग जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई है, वो उसी रूल के अकॉर्डिंग हुई है, रेयरर टू डेंसर जब लाइट ट्रेवल करेगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, डेंसर टू रेयरर जब ट्रेवल करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, ठीक है। एक बात और, अब अगर हम ओरिजिनल पाथ बनाए लाइट का, मतलब मान लीजिए यहाँ ग्लास का मीडियम नहीं होता तो लाइट कैसे ट्रेवल होके आती, ये था एक्चुअल में लाइट का ओरिजिनल पाथ, लेकिन हुआ क्या, लाइट रे जब ग्लास स्लैब के पास हुई तो दो बार उसका रिफ्रैक्शन हुआ और फाइनली हमको एक लाइट रे मिली। ये जो फाइनल लाइट रे है इसको बोलेंगे हम इमर्जेंट रे, और अभी जो मैंने बनाया, एक मिनट, ये वाला जो है अभी मैं जो बना रहा हूं ये ओरिजिनल पाथ था, तो आप देखोगे दोनों पैरेलल मिलेंगे, इसका मतलब है जो इंसिडेंट लाइट है थोड़ा सा डिविएट हो गई, स्लाइटली डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बाद जो लाइट है वो डिविएट हो गई, थोड़ी लेटरली क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। इसको और हम डिटेल में समझते हैं। तो पहली लाइट रे जो थी ये है, जिसको हम इंसिडेंट रे भी कहेंगे, ठीक है। नॉर्मल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुई, ठीक है। क्यों हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट, क्योंकि पहला जो मीडियम था वो क्या था, एयर जो कि रेयरर मीडियम है, दूसरा जो मीडियम था वो ग्लास जो कि डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे रेयरर टू डेंसर जब गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई। फिर सेकेंड सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट हुई है तो लाइट रे ट्रेवल करी डेंसर मीडियम में, मींस ग्लास में, एंड देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गई। क्यों, क्योंकि लाइट अब डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो ये जो फाइनल लाइट रे हमको मिली है इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे,
ठीक है। बीच की जो लाइट रे है इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एंड शुरू में जो लाइट रे हमने ली थी वो क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। इसमें से जो इमर्जेंट रे है उसको जब हम ओरिजिनल पाथ के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों लाइट रे जो है हमें पैरेलल दिख रही है। इसका मतलब जब ग्लास स्लैब से लाइट पास होती है तो अपने पाथ से थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाती है। मींस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होता है लेकिन लाइट थोड़ा सा अपने पाथ से डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। उस डिस्प्लेसमेंट को अगर मेजर करना है तो आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर कर लो, वही क्या हो जाएगा, उस डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट हो जाएगा। इस तरह से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है ग्लास स्लैब, ठीक है। तो और अगर हम डिटेल में समझे इन वर्ड्स तो ये है, पहली लाइट रे को हमने मार्क किया, द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज एंटर्ड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास, हियर द लाइट रे हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस इमेज के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। ओ पॉइंट पे लाइट जो है इंसिडेंट हुई है तो ई ओ ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, उसके बाद लाइट एयर टू ग्लास आ रही है इसलिए ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो आप यहां देख सकते हो टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से लाइट बेंट हुई, ठीक है। देन At O dash, the light ray has entered from glass to air, that is from a denser medium to a rarer medium. The light here has bent away from the normal. So second refraction जो है, वो यहाँ take place हो रहा है। कहाँ पे? O dash पे। यहाँ light ray denser से rarer की तरफ जा रही है, इसलिए away from the normal bent हुई, ठीक है? इसके basis पे EO is the incident ray, OO dash is the refracted ray and O dash H is the emergent ray. क्या क्या है देखते हैं, ये जो है EO इसे बोलेंगे incident ray, OO dash is the refracted ray and final ray जो emerge होके आ रही है glass slab से बाहर जा रही है वो है O dash H, इसे बोलेंगे हम emergent ray, ठीक है। Then, the emergent ray is parallel to the direction of the incident ray, but the light ray is shifted sideways slightly. हम लास्ट में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो emergent ray हमको मिली O dash H, वो लाइट के ओरिजिनल पाथ के जस्ट क्या है, पैरेलल है, लेकिन थोड़ा सा लाइट क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है साइडवेज, ठीक है। तो ग्लास स्लैब में यही होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन दो बार होता है और जो इमर्जेंट रे रहती है वो इंसिडेंट रे के जस्ट पैरेलल होती है लेकिन अपने पाथ से थोड़ा स्लाइटली क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो दिस वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब।